फिल्म के शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम लुंगचुंग होता है, जहाँ कुछ ही दिनों में एक मेला लगने वाला होता है। अब आगे हमें लुंगचुंग शहर के बारे में बताया जाता है, जहाँ हम जान पाते हैं कि लुंगचुंग शहर कई सौ साल पुराना है, जिसकी रक्षा करने के लिए कुछ योद्धा को चुना गया था जिनको उत्तरमात कहा जाने लगा। और इन योद्धा को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस शहर को बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखे। पर एक अघोरी जिसका नाम चेंग होता है, वो लड़ाई के अलावा काले जादू में भी माहिर था, जो अपनी सेना के साथ उस शहर पर हमला कर देता है। पर उत्तरमार्ग से लड़ाई के दौरान चेंग की बुरी तरह हार होती है और इसके बाद उसको पूरे शहर में बेइज्जत किया जाता है। और जीत के तौर पर उत्तरमार्ग चेंग की एक आंख निकाल कर उसे जिंदा छोड़ देता है। फिर अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कायू होता है, जो उत्तरमार्ग में विश्वास करता था और वो लोगों को बता रहा होता है कि मेरे पिता भी एक योद्धा थे, लेकिन लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसके पिता का हुलिया बताने को कहते हैं। लेकिन उसे अपने पिता का चेहरा याद नहीं होता क्योंकि केहू को अमनेजिया नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं था और उसकी इस बीमारी के वजह से लोग उसका मजाक बनाने लगे। आगे हम कोयू को अपने दोस्त पेच के साथ मिलकर मस्ती करते हुए देखते हैं, जहां वो पुलिस वालों के कपड़े चुरा कर और उन कपड़ों को पहनकर लोगों का ड्रंक टेस्ट करने में लगे होते हैं। पर तभी कोयू की नजर एक आदमी पे जाती है जिसने अजीब सा मास्क लगाया हुआ था। इस आदमी का नाम वोंग होता है और उसके साथ एक महिला नेम रश्मि होती है। दरअसल ये दोनों उसी अघोरी चेंग के लिए काम करते हैं। पर तभी वहाँ पर वो ऑफिसर्स आ जाते हैं जिनके कपड़ों को कोयू और पेच ने चुराया था। उन ऑफिसर्स को देखते ही अब वो दोनों वहाँ से भागकर मूंग की गाड़ी के पीछे लटक जाते हैं, जिन्हें वो पुलिस ऑफिसर्स देख भी लेते हैं। पर तब तक वो दोनों काफी दूर पहुँच जाते हैं, जिससे पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाते। इधर कोयू देखता है कि इस गाड़ी में एक आदमी को बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकता था, इसलिए थोड़ी दूर और जाने के बाद वो और पेच गाड़ी से कूदकर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चेंग को देखते हैं जिसके पास मूंग उस बंदी बनाए गए आदमी को लेके आता है, जहां चेंग उसको अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहराता है। जिसके बाद चेंग की फूटी हुई आंख से एक सांप निकलता है जो उस आदमी का सारा खून चूस लेता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। दरअसल चेंग को फेरिया की तलाश है, जो उत्तरमार्ग का लीडर हुआ करता था, जिस पर रश्मि बताती है कि कुछ दिन बाद लगने वाले मेले में शायद फेरिया आए और उस समय हम उसे पकड़ लेंगे। इधर कोयू और पेच अपने एक दोस्त चेंग से मिलने जाते हैं, जिसका एक म्यूजिकल बैंड होता है और चेंग के साथ पिम नाम की लड़की भी होती है। पर उस जगह पर कोयू के कुछ लोगों के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिससे पुलिस वहाँ आकर सबके साथ कोयू और पेच को भी पकड़ कर ले जाने लगते हैं। लेकिन चेंग पुलिस से विनती करके कोयू और पेच को छुड़वा लेता है। इस पर अब कोयू चेंग को धन्यवाद अदा करता है और कुछ देर की बातचीत के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर रास्ते में घर आते समय उन्हें जेल से भागते हुए कुछ कैदी मिलते हैं, जो कोयू और पेच को भी भागने के लिए कहते हैं, पर वो दोनों नहीं भागते और पुलिस उन दोनों को ये समझ के पकड़ लेती है कि इन्होंने ही कैदियों को जेल से भागने में मदद की है। फिर हम कोयू और पेच को जेल में देखते हैं, जहाँ कोयू अपने सपने में देखता है कि वो अपने पिता के साथ एक जगह पर है, जहाँ एक पेड़ है जिस पर बिजली गिरने के कारण वो बिल्कुल सूख चुका है। पर उसकी एक टहनी पर फिर से एक पत्ती आ रही है, जो परिवर्तन का संकेत है। इसके बाद फिर वो दोनों पेड़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां कोयू के पिता अपनी तलवार को उसी पेड़ में गाड़ देते हैं और इसी के साथ उसका ये सपना टूट जाता है। तभी फिर उनके सेल में एक कुत्ता आता है, जिसे देख कर कोयू पेच से पूछता है कि यहाँ कैसे आया। इस पर वो कुत्ता एक आदमी में बदल जाता है, जिसका नाम डेट होता है, जो एक जादूगर होता है। और डेड कोयू से उसके जेल में आने का कारण पूछता है, जिस पर कोयू उसे सब कुछ बताता है। उसकी बातें सुनने के बाद डेड उसे एक कागज देता है कि तभी वहाँ पर जेल का वार्डन आ जाता है, जो कायू और पेच से बोलता है कि तुम्हारी जमानत हो चुकी है और अब वो दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं। असल में उनकी जमानत कोयू की माँ ने करवाई थी, जिनसे कोयू अपने पिता के बारे में पूछता है। पर उसकी माँ उसे सिर्फ इतना ही बताती है कि तुम्हारे पिता बहुत ही नेक दिल इंसान थे। अब अगले सीन में हम कोयू को अपने घर के बाहर अकेले में बैठा हुआ देखते हैं कि तभी डेट वहाँ फिर से आ जाता है और वो कोयू को जादू सिखाने का प्रस्ताव देता है, जिसे कोयू खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। अब इसके बाद डेट उसे अपनी गुफा में ले जाता है, जहाँ पहले से ही एक लड़का होता है जिसका नाम मनोवा होता है और वो भी डेट से जादू सीख रहा होता है। फिर मनोवा अपना मुंह खोलता है और उसकी मुंह से तेज रोशनी निकलती है और अब हम दीवार पर चित्र देख पाते हैं, बिल्कुल किसी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टर की तरह, और उस चित्र में वो उसे जादू के बेसिक्स के बारे में बताता है, जिसके बाद वो उसे किताब देता है जिसमें वो उसे जादू के 9 लेसन्स के बारे में बताता है, जिसमें पहला होता है कि कभी भी कहीं पे जाने का जादू यानी कि टेलीपोर्टेशन होता है। जिस मंत्र को कायू पढ़ लेता है और उसे पढ़ते ही वो वहां से गायब होकर पिम के पास पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि पिम उसकी बचपन की दोस्त है पर कोयू को बीमारी की वजह से कुछ याद नहीं है। तब फिर कोयू फिर से टेलीपोर्ट होता है और वो चैंग के पास जा पहुंचता है, जो उसे अपने परिवार के साथ डिनर करने के लिए कहता है। लेकिन चैंग के परिवार वाले कायू का काफी मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से वो डिनर छोड़कर वहां से जाने लगता है, जिस पर फिर चैंग उससे माफी मांगता है। अब अगले सीन में पिम, चैंग और कायू एक साथ बात कर रहे होते हैं कि तभी पिम बताती है कि चैंग अपना बैंड छोड़कर मिलिट्री में भर्ती होने जा रहा है, जिसे सुनकर कायू भी मिलिट्री में जाने की इच्छा जाहिर करता है। इसलिए अगले ही दिन चैंग और कायू दोनों मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान कायू को दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखाई देता है, पर वो उसे देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता, इसलिए अपने जादू से गायब होकर डेड के पास पहुंच जाता है। और अब वो डेड से उत्तरमात फोर्स के बारे में पूछता है, जिस पर डेड उससे कहता है कि इस बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके बाद फिर डेड कायू की आगे की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वहीं शहर में एक आदमी पिम के पास आता है और उससे अपनी पत्नी को मिलाता है। असल में उस आदमी की पत्नी रश्मि होती है, और फिर तभी वहाँ कायू भी आ जाता है, जो रश्मि को देखकर उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसी की गाड़ी में कायू ने एक आदमी को बंधक बना देखा था। पर रश्मि उसको एक कमरे में बेहोश कर देती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ ढेर सारी पेंटिंग रखी हुई थी। पर तभी वहीं की एक पेंटिंग को देखकर उसे पिम के साथ बिताया हुआ बचपन याद आता है। लेकिन तभी वहाँ पिम आ जाती है और वो बताती है कि ये सारी पेंटिंग्स मैंने ही बनाई है, और फिर दोनों अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी चैंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कायू और पिम को एक साथ देख काफी गुस्सा होता है, इसलिए वो गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन कैंप में ट्रेनिंग के दौरान कायू और चैंग में लड़ाई हो जाती है, इसलिए चैंग कल का पूरा गुस्सा कायू पर उतार देता है, जिससे कायू ये फाइट हार जाता है। अब चैंग से हारने के बाद कायू डेड के पास जाता है और अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर तरीके से करना शुरू कर देता है। जहां एक हफ्ते बाद जब फिर से दोनों के बीच मुकाबला होता है, अब कायू चैंग को बुरी तरह से हरा देता है। अब इस बात से चैंग के पिता उस पे काफी गुस्सा करते हैं। वहीं अब कायू को एक आखिरी टास्क दिया जाता है, जिसमें उसे घोड़े को काबू में करना होता है, जिसे कायू जादू से काबू भी कर लेता है, जिस बात से उसे इस ग्रुप का कैप्टन बना दिया जाता है। आगे कायू अपना कैप्टन वाला बैच लेके पिम को दिखाने जाता है, लेकिन पिम को चैंग के साथ देख वो दुखी हो जाता है, जिसके बाद कायू पेट से मिलने जाता है। पर तभी उसकी नजर एक आदमी पे जाती है जो अजीब सी हरकत कर रहा होता है, जिसका फिर वो दोनों पीछा करने लगते हैं, और अब वो देखते हैं कि वो आदमी रश्मि से मिल रहा है, जहां रश्मि उससे कहती है कि मेले में जब प्रिंस आएंगे तब हम वहां पर उड़ रही पतंगों में से एक में बॉम्ब लगा देंगे, जिससे काफी बड़ा धमाका होगा, और उसी का फायदा उठाकर हम प्रिंस को अगवा कर लेंगे और प्रिंस को बचाने के लिए फेरिया को आना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी बातों को कायू भी सुन लेता है, इसलिए वो प्रिंस को बचाने की ठान लेता है। अब आगे हम प्रिंस को मेले में देखते हैं कि तभी कायू को वही आदमी दिखाई देता है जो रश्मि से मिला था, जिसकी कायू जान ले लेता है, और उसे मारने के बाद वो टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पहुंच जाता है जिस जगह को उसने अपने सपने में देखा था। और अब वो उसी पेड़ की तरफ जाता है जहां उसे अपने पिता की तलवार मिल जाती है, जिसे उठाने पर उस पेड़ पर एक बिजली जोरों से गिरती है, और अब वो तलवार रहस्यमय तरीके से चमकने लगती है, जिसके बाद कायू वापस से मेले में पहुंच जाता है, और अब वो किसी तरह उस पतंग को प्रिंस के पास गिरने से बचा लेता है। इधर पिम प्रिंस के साथ होती है और वो दोनों प्रिंस के महल में जा रहे होते हैं कि तभी रश्मि वहां आकर उन दोनों को बेहोश कर अपने साथ ले जाती है, जिनके गायब होने का पता चलने पर कायू उन्हें ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहां उसे रास्ते में चैंग मिलता है, और अब कायू उसे बताता है कि प्रिंस और पिम दोनों गायब है, जिस पर फिर चैंग भी कायू के साथ पिम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और कायू अपने जादू से उस जगह का पता लगा लेता है जहां पिम और प्रिंस को रखा गया है, और अब वो चैंग के साथ वहां पर जा पहुंचता है, जहां अब उन दोनों की लड़ाई रश्मि और मूंग से होती है, जहां चैंग रश्मि को मार देता है और वहीं कायू मूंग को बेहोश कर देता है, जिसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें पिम और प्रिंस को बेहोश देखते हैं, जिसके बाद उनका
सामना चेंग से होता है, जिसे कायू और चेंग मिलकर भी नहीं हरा पाते। इस पर कायू अपनी तलवार से चेंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन चेंग अपनी जादू से एक ढाल बना लेता है और उसके वार को रोक लेता है। पर तभी अचानक से वहां पर फेरिया आ जाते हैं, जो चेंग को अपनी शक्तियों से हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसके बाद अब मूवी के आखिरी सीन में कायू अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे एक बॉक्स देती है जो उसके पिता का होता है, जिसे लेकर वो अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि मूंग जिसे कायू ने बेहोश कर दिया था, वो और कोई नहीं बल्कि कायू के पिता ही होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब मूवी देखने के बाद हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि डेड को क्या जरूरत पड़ गई कि उसने कायू को जादू सिखाने के लिए चुना। तो इसका जवाब यही हो सकता है कि डेड, जो कि एक जादूगर था, उसने अपने शक्तियों से जान लिया होगा कि कायू के पिता एक योद्धा थे, और यही वजह थी कि उसने कायू को खुद ही जादू सिखाने के लिए अप्रोच किया। पर इसी से रिलेटेड एक और सवाल हमारे मन में आता है कि अगर कायू के पिता मूंग खुद एक योद्धा थे, तो वो चेंग का साथ क्यों दे रहे थे। तो इसका जवाब पूरे मूवी में नहीं दिया गया है, पर शायद इस मूवी के अगले पार्ट में इस बात का जवाब दिया जाए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे। वहीं आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।